Hello dear my students, myself Dr. Naresh Bhati, Director of Wellcare Overseas Bangalore. Now dear my students, today's video I am going to discuss a very important course or very important skill based program particularly for Germany. तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक कोर्स जिसका नाम है हाउस बिल्डिंग इन मेटगर मीन्स एक तरह का बुच्चर का हाउस बिल्डिंग जर्मनी में होता है. तो इसके बारे में इन डिटेल में हम जानेंगे कि ये अपॉर्चुनिटी है क्या, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ड्यूरेशन है, क्या एज चाहिए, कितना स्टाइफंड मिलता है. इस कंप्लीट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा. तो टिल एंड तक आपको वीडियो जरूर देखना है. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि ये जो कोर्स है एक तरह का स्किल्ड बेस्ड प्रोग्राम है. मतलब आपको डायरेक्टली इज ए स्किल्ड बेस्ड, मतलब काम करने के योग्य बना रहे हैं. दे गोइंग टू मेक यू एज ए स्किल्ड वर्कर. अगर आप 12 पास स्टूडेंट हो, अगर आपको एक्सपीरियंस है बुचर में, मतलब कसाई जो हिंदी में हम बोल सकते हैं कि आपको मीट काटने में या जो भी नॉन वेजिटेरियन है मीट काटने में आपको इंटरेस्ट है, या नॉन वेजिटेरियन चीज़ें जो मीट है या जो भी है आप काट रहे हो उसमें अगर आपको इंटरेस्ट है, आप बुचर हो कसाई हो, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो है. तो बुचर का हाउस बिल्डिंग का मतलब ये होता है कि एक तरह का वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम. आप एक प्रोफेशनल बुचर बन सकते हो जर्मनी में जाके. तो अगर आप 12th पास हो या आपको एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. अब मेन इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट इसमें क्या है कि ये जो कंप्लीट कोर्स है आपका है जर्मन में. तो अगर आपको एक प्रोफेशनल बुचर बनना है यूरोप में, स्पेशली जर्मनी में, तो आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए और मिनिमम लेवल ऑफ जर्मन लैंग्वेज B1 या B2 लेवल आपके पास होना चाहिए. अगर आप जर्मन B1 या B2 लेवल तक जानते हो, आपके पास अगर ऑफिशियल सर्टिफिकेट है, तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो. और सबसे इम्पोर्टेंट बात इस कोर्स में ये है कि आपकी कोई ट्यूशन फी नहीं लग रही है, और दूसरा आपको स्टाइफंड भी इस कोर्स में आपको मिलता है. तो ये जो ड्यूरेशन जो इस कोर्स का है, मिनिमम 3 ईयर्स का ये कोर्स रहता है आपका हाउस बिल्डिंग इन बुचर में. तो 3 साल में आपको कोई ट्यूशन फी नहीं लगनी है. दूसरा इम्पोर्टेंट, इस कोर्स के ड्यूरिंग आपको स्टाइफंड भी मिलता है, ताकि अगर आप जर्मनी जाते हो और वहाँ पे आप ये प्रोग्राम करते हो तो आपका लिविंग कॉस्ट, खाने का कॉस्ट, घूमने का कॉस्ट, ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली आपको पड़ सकता है. इसीलिए इस प्रोग्राम के साथ साथ आपको स्टाइफंड भी दिया जाता है. तो 3 साल के कोर्स में जो स्टाइफंड जो आपका कैटेगराइज है वो इस तरह से आपको मिल सकता है कि फर्स्ट ईयर में हर महीना आपको €950 हर महीना मिल सकता है. सेकेंड ईयर में आपको €1050 आपको मिल सकता है. एंड थर्ड ईयर में हर महीना आपको €1200 मिल सकता है. तो ये जो अमाउंट आपको मिल रहा है, आपको एक तो ट्यूशन फी नहीं लग रही है, और दूसरा जो आपको ये अमाउंट मिल रहा है जिससे आप आराम से जर्मनी में सर्वाइव कर सकते हो और कुछ पैसा बचा भी सकते हो अगर आपको बचाना हो तो. तो इतना अच्छा प्रोग्राम आपको कहाँ मिलेगा. आप एक प्रोफेशनल बुचर यूरोप में बन सकते हो, और यूरोप में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ओपन है. आपको पता है कि गूगल करके भी आप देखोगे तो जर्मनी को 400,000 प्लस स्किल्ड वर्कर की रिक्वायरमेंट है, और उसमें एक हाउस बिल्डिंग ऑफ बुचर भी एक मेजर रोल प्ले करता है कि उनको बहुत ज़्यादा बुचर भी चाहिए. अब इस कोर्स का ड्यूरेशन जैसे 3 ईयर्स है, बट हालांकि
एज फैक्टर भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, एज का कोई लिमिटेशन नहीं है, बट अगर आप बिलो 35 ईयर्स हो, बिलो 35 ईयर्स एज आपका है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बिलो 35 जो यूथ है, जो यंग पर्सन है, उसको ज़्यादा चांस देने के प्रेफरेंस में रहते हैं। उसकी वजह से आपकी एज अगर बिलो 35 है तो आप परफेक्ट कैंडिडेट इसके लिए बन जाते हो। सो ऐसा अपॉर्चुनिटी अगर आप इंडिया में भी, जैसे अनप्रोफेशनली आप काम करते हो, अगर आप कोई मीट शॉप में काम कर रहे हो, वहाँ पे आपकी मीट शॉप है, या कहीं भी आप एज ए प्रोफेशनल भी मीट शॉप में काम कर रहे हो, तो वहाँ आप एक तरह का उतना प्रोफेशनलिज्म या एक प्रोफेशनल मीट या बुचर की तरह आप काम नहीं करते हो, उतना अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन ये कोर्स अगर आप कर लेते हो, डियर माई स्टूडेंट्स, अगर आपका इंटरेस्ट है बुचर में कसाई बनना प्रोफेशनली, तो फिर जर्मनी आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है कि ये कोर्स में आप चले जाओ। इसमें आपको इतना फ़ायदा है कि आपका करियर भी बन रहा है, आपको फीस भी नहीं भरना है, आपको स्टाइफंड भी मिल रहा है, और आपके पेरेंट्स को भी फाइनेंशियली ज़्यादा आपको बर्डन देने की ज़रूरत नहीं है। बट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे आपको ये देखने को मिलती है कि आपको जर्मन लैंग्वेज आना चाहिए, क्योंकि उनकी लैंग्वेज में, जर्मनी में जर्मन बोलते हैं, तो उनकी लैंग्वेज में आपको ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको तो पता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत कम आती है, और अगर आप यू नो अपने करियर को कहीं और लेके जाना चाहते हो, बियॉन्ड द लिमिट लेके जाना चाहते हो, और अपना करियर एक एज ए बुचर आप बनाना चाहते हैं, तो थोड़ा तो कहीं ना कहीं आपको मेहनत करना होगा। जब आपकी मेहनत शुरू हो जाती है तो डेफिनेटली आपकी जो सक्सेस है आपके चरम चूमने लगती है। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, यू मस्ट बी डेडिकेटेड टूवर्ड्स योर गोल। इस कोर्स में जाने के बहुत सारे अलग भी फायदे हैं, क्योंकि जब आप जर्मनी चले जाओगे तो जर्मनी जाने के बाद नॉट ओनली जर्मनी आपके लिए ऑप्शन है, जब आप एक स्किल्ड बुचर बन जाओगे 3 साल का कोर्स करके, जब आप एक रजिस्टर्ड बुचर बन जाओगे, एक रिकॉग्नाइज डिप्लोमा आपके पास स्टेट काउंसिल से मिलेगा, तो वो पूरा यूरोपियन कंट्री में वैलिड होगा। अगर आपको स्विट्ज़रलैंड में जाना है, वहाँ जॉब है, या नीदरलैंड जाना है, हॉलैंड जाना है, फ्रांस जाना है, इटली जाना है, कहीं भी आप जा सकते हो, आ सकते हो, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी है तो वहाँ जॉब कर सकते हो, जर्मनी में तो आप कर ही सकते हो। तो उसकी वजह से आपको ये मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सपोजर मिल जाता है यूरोप में, मतलब एक कंट्री नहीं, ऑलमोस्ट नाउ 28 कंट्रीज शेंगेन कंट्री है, तो ये सारी कंट्री आपके लिए ओपन हो जाती है। तो डियर माई स्टूडेंट, अगर आपका सपना है टू बिकम अ बुचर, प्रोफेशनल बुचर, तो जर्मनी आपको ऑप्शंस दे रही है, और वेलकेयर ओवरसीज थ्रू आउट द प्रोसेस आपके साथ खड़ी है। तो आपका इंटरेस्ट है अगर एक स्किल्ड प्रोफेशनल बुचर बनना है यूरोप में, जर्मनी में, तो डू कॉन्टैक्ट वेलकेयर ओवरसीज, नीचे जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और आप अपनी कंप्लीट करियर काउंसलिंग ले सकते हैं, करियर अबाउट बिकम अ बुचर इन जर्मनी। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, ऐसे ही मैं आपके लिए एजुकेशन के रिलेटेड, यूरोप में ऑप्शंस के रिलेटेड वीडियो लेते आता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय कर्नाटका, जय भारत एंड जय हिंद।